मैं आज ये घर छोड़ के जाने वाला हूँ। ऐसे भी सामान निकाल रहा था मैं, मम्मी रोने लग गई। मेरा रूम रहेगा फिलहाल, तो मैं अपने बेड पर हूँ, तो अभी सारा बैक टू माई न्यू एंड अदर फ्रेश व्लॉग। हाँ जी, तो स्वागत है आपको मेरे इस नए और ऑसम से व्लॉग में। हाँ तो गाइस, इस व्लॉग में रहने वाला है क्या, आज मैं ये घर छोड़ के जाने वाला हूँ। हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं आज ये घर छोड़ के जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों से नहीं बन रही है। तो मैंने फैसला कर लिया, मैंने अपने पापा से बात की कि हम लोग अलग रहेंगे। सो बात यही है, तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है वो किस कारण से जा रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा, बट हाँ आज के लिए मैं घर छोड़ के मतलब जा रहा हूँ अभी थोड़े लंबे टाइम के लिए। तो मेरा काफी सारा सामान जो है वहां रहूंगा मैं, तो सामान वगैरह पैक हो चुका है। इसमें पूरे बर्तन है मेरे, और इसमें मेरे लिए चावल है जस्ट ये वाली बोरी में, तो पूरा पैकिंग जो है हो चुका है। बस मेरे मामा आएंगे मेरे को छोड़ने के लिए जाने के लिए, तो कार से जो है जाऊंगा मैं। लगभग 3 सालों के लिए जो है मैं घर से बाहर रहने वाला हूँ। इसे चोट लगी ना, तो इस पर दवाई लगाई है मैंने, बट अभी सुबह सुबह ना एकदम बहुत ज़्यादा जो है दर्द कर रहा था मेरे को। इतना जो शॉप है ना वो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा याद आने वाला है। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर मैं जा किस ले रहा हूँ। तो गाइस, मेरा जो है एडमिशन हो चुका है एक नए कॉलेज में, बिलासपुर में। तो मैं जा रहा हूँ बिलासपुर, तो और कौन सा कॉलेज वो कॉलेज वाला व्लॉग आएगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो मैं बिलासपुर में जो है इसीलिए 3-4 दिनों से 10 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया है, तो मैं इसी चीज़ में व्यस्त था। उसके लिए मैंने वहाँ बिलासपुर गया कई बार, कॉलेज में एडमिशन हुए, फिर वहाँ रूम वूम पता किया, तो रूम वूम सब चीज़ हो चुका है बुक। तो आज फाइनली वहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ मैं, 3 सालों के लिए है ना पढ़ाई करनी वहाँ, तो इसीलिए मैंने सारा सामान अपना अब खुद ही अकेले रहना, अकेले खाना वाना बनाना है। और कहाँ रह रहा हूँ, किस जगह पर, बिलासपुर में, ये सब आपको पता चलेगा ना भाई, थोड़ा सा वेट करो। तो सारा सामान जो है पैक कर लिया है मैंने, आपने देखा, तो अभी लेके चलना है। मेरे मामा जी आएंगे मेरे छोड़ने के लिए जाने के लिए, तो मामा आएंगे तो उसकी कार में, और इधर से मेरा एक फ्रेंड सूरज तो पहले से ही बिलासपुर में रहता है, तो मैं भी बिलासपुर ही जा रहा हूँ। अपना सारा सामान जो है पैक कर लिया है मैंने। बाय द वे यार, बाहर जाओ ना तो घर की बहुत याद आती है। अभी तो ऐसा लग रहा है जब बट बाहर रहूंगा ना तो घर बहुत मिस करूंगा। माँ जाऊंगा कैसा लग रहा है? वो मम्मा पूछ रहा है, नहीं पता। इमोशनल। सो गाइस, अभी बज रहे 10:30 और इस हाथ में थोड़ी सी चोट आई है ना, और थोड़ी सर्दी भी है, तो माँ बोल रही कि डॉक्टर के पास चले जाओ करके। तो मैं फिलहाल तो अभी वही जा रहा हूँ, एक इंजेक्शन लगाऊंगा टिटनेस का, और दूसरा इंजेक्शन देखूंगा मे भी सर्दी के लिए, नहीं तो एक ही बस लगाऊंगा, लेकिन टिटनेस का ज़रूर लगा लूँगा। वैसे भी उसको 6 महीने में लगवाना चाहिए, बट अब लगवा लेते हैं। ठीक है मम्मी, मैं आ रहा हूँ। फिर नाना का कॉल आया था, अभी मामा लोग जो है निकल चुके हैं घर से, बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। सो भी गाइस, इंजेक्शन लगवा लिए हैं हल्का सा, यहाँ पर कमर में दर्द हो रहा है हल्का हल्का। दवाई कुछ दवाई है, सामने वाले मेडिकल से दवाई लेते हैं। और अभी सूरज को भी कॉल किया था, वो भी हमारे साथ जाएगा ना, तो रेडी हो चुका है, उसको भी लेते हुए चलना है। बाय द वे हल्का दर्द हो रहा है यार इंजेक्शन में, तो एक ही इंजेक्शन लगवाया मैंने टिटनेस की, और सर्दी के लिए बस दवाई लिखवा ली। गाइस, अभी पहुंच चुके हैं सूरज के घर, देन यहाँ भी इसकी पैकिंग हो चुकी है, और इसको वेट करते करते मेरे का आधा घंटा टाइम हो चुका है, चल जल्दी। सो गाइस, अभी आ चुके हैं घर, राम भी आए हैं जिगनू। तो गाइस फाइनली अपन भी आ चुके हैं एकदम जल्दी जल्दी से ना, रेडी हो चुके हैं। और अभी बताऊँ तो टाइम हो चुका है 12:30, वैसे तो जल्दी निकल जाते बट अब 12:30 हो चुका है, तो 1 बजे पापा लंच के लिए आएंगे, तो उनसे मुलाकात करने के बाद निकलेंगे। बाद में भी सारा सामान जो है देख लो, ये सभी अभी गाड़ी में डाल लिया है ना। और आज का खाने का सीन बताऊँ तो आज सुबह से मैं खाना खा लिया था, क्योंकि आज 8 तारीख है, गुरु नानक जयंती, प्लस आज के दिन है ग्रहण, तो ग्रहण के दिन खाना नहीं खाते, मतलब 8 बजे से स्टार्ट है, तो 8 बजे से पहले खाना खा लिए थे। तो अभी दिन भर जब ग्रहण खत्म होगा ना तब वहाँ बना के अब खाऊंगा। फिलहाल तो अभी सारा सामान जो पैकिंग हो रहा है उसको गाड़ी में डालेंगे। ऐसे भी सामान निकाल रहा था मैं, मम्मी रोने लग गई, मत रोना वो। अरे यार मम्मी इमोशनल हो गई, कहाँ जाता हूँ मैं, चुप चुप आप रही। Missing little moments, it was easy.
फाइनली पापा भी आ गए, तो अब निकल रहे हम लोग बिलासपुर के लिए, और फिर मामा उधर से छोड़ते हुए घर निकलेंगे। चलो भाभी दिखा, चल जा तुम्हें, रुबे उबे मत, ठीक है, चल मत रो मत भाई, वो फिर मत रो ना वो। गाइस अभी पहुंच चुके हैं एससीएलटी बॉयज हॉस्टल, तो अंकल बता दे रहे ना सूरज यहां रुक रहा है, ये देख लो ये कॉलेज है एससीएलटी का यानी कि सूरज का, और हम लोग निकलेंगे अभी मेरे कॉलेज तरफ। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं, गाइस फाइनली 4:30 बज रहे हैं और फाइनली मैं अपने रूम पर तो आ गया, तो अभी सामान वगैरह जमे नहीं है और मामा लोग जो है मेरे को छोड़े यहाँ पर ड्रॉप करके चले गए हैं, तो थोड़ा सा टूर दूंगा मैं रूम का और कहाँ पास है जगह बताऊंगा। अभी फिलहाल ये है मेरे रूम पार्टनर त्रिलोक सिंह जो कि यहाँ पहले से आ चुके हैं, तो अब व्लॉग में दिखने वाले हैं ना, तो यही मेरा रूम रहेगा फिलहाल, तो मैं अपने बेड पर हूँ, तो अभी सारा सामान जो है अरेंज कर लेते हैं उसके बाद आपको जो है बताता हूँ मैं। आपको इस प्लेस के बारे में बताऊँ तो मैं हूँ बिलासपुर में और जगह है कोनी, ठीक है, तो बिलासपुर के कोनी में हूँ मैं और ये कॉलोनी है जिसके अंदर यहाँ ही मैंने रूम लिया है, तो यहाँ काफ़ी सारे लोग मतलब रहते हैं इधर जीजीयू के जीईसी के और आसपास में और 2-3 कॉलेज है, तीन में से एक कॉलेज में मैं भी पढ़ रहा हूँ और 3 साल पढ़ना है अभी मेरे को यहाँ को, तो फिर यही रूम है तो इसलिए घर छोड़कर यहाँ आ गए एक नए रूम में, ठीक है। तो बाय द वे फिलहाल तो अभी मैं खाना वगैरह बना रहा था मेरे लिए, और जो मेरा रूम पार्टनर है त्रिलोक भैया वो तो टिफिन मंगाते हैं, बाय द वे ये आईटीआई वाले हैं और मैं अपना मेरा तो जानते हो, गैस करना कमेंट में बताना कि मैं पढ़ क्या रहूँगा, अभी आपको नहीं बताते, जो नेक्स्ट व्लॉग रहेगा ना कॉलेज वाला वो आपको बताऊँगा। हाँ बट कुछ ऑप्शन तो मैंने अभी दिए थे, तो उन्हीं में से एक कॉलेज में मैं फिलहाल पढ़ रहा हूँ तो इसीलिए रहना है, तो मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, भूख लग रही है, ग्रहण था इसलिए सुबह 8 बजे से खाए थे और अभी भाई दबा के भूख लग रही है। अभी गाइस आपने देखा कि सिटी बज चुकी है और अभी रात के बज रहे हैं 8, के लिए यहाँ पास ना थोड़ा सा तो पहले सामान वामान जमाए, अपना बिस्तर जमाए है ना, ये अपना किचन सेट जमाए, तो सब में टाइम हो गया, फिर उसके बाद मार्केट गया था मैं इधर का पास ही का सब्जी लेने के लिए, तो टमाटर वगैरह कुछ सब्जी वगैरह लेके आए, तेल वेल है ना, बाकी सारा सामान जो है मैं घर से लेके आया था, हल्दी मिर्चा ये सब, तेल बस नहीं लिए थे, तो सारा सामान आ चुका है और खाना भी लगभग बन रहा है और बाद में सब्जी बन रही है भी टमाटर की चटनी, फर्स्ट डे ऑफ शुरुआत कर रहे हैं टमाटर की चटनी से। फाइनली अभी बच चुके हैं 9 और खाना जो है बन चुका है मेरा, तो देख लो टमाटर की चटनी एंड चावल और लोग भैया का भी टिफिन आ चुका है, तो अब जब यहाँ रहूँगा ना तो यहाँ का थोड़ा थोड़ा, अभी तो शुरुआत के दिन है ना, तो शुरुआत के दिन में उतना ज़्यादा इधर का नॉलेज बेसिस तो नहीं है, बट जैसे जैसे पता चलता जाएगा बिलासपुर को जानते जाएंगे, आपको इस व्लॉग के ज़रिए बताते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। तो अभी खाना वाना सो के एकदम फुल पेट खाना खा लिया है ना, एक गिलास चावल बनाया था मैं उसमें से एकदम फुल पेट हो गया, फिलहाल आप सोएंगे, तो इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड, में होप यू गाइस एंजॉय दिस व्लॉग, तो लाइक जरूर करना, मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट और असम से व्लॉग में जो कि होगा मेरा कॉलेज वाला व्लॉग, ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग है ना।